मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, यह बात एक बार फिर चरितार्थ हुई है, जिसका उदाहरण ढाना स्थित केंद्रीय विद्यालय के छात्रों की सोच और वानगी में देखने मिला। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने अपने घर से मिलने वाली पॉकेट मनी की राशि एकत्रित की। इनका उद्देश्य केरल में आई बाढ़ आपदा में प्रभावित लोगों की मदद करना है। बच्चों ने लगभग 23,000 रुपए एकत्रित किए। बच्चों की इस पहल का स्कूल के शिक्षकों का भी भरपूर समर्थन मिला और उन्होंने भी उनकी सोच की प्रशंसा कर एक दिन का वेतनमान की राशि का हिस्सा इस कार्य के लिए दिया। इससे लगभग 60,000 रुपए एकत्रित हुए। स्कूल की चौथी कक्षा की छात्रा शानवी शर्मा से जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो गीत सुनकर कलेक्टर आलोक सिंह ने 60,000 की राशि का चेक लिया। कलेक्टर ने भी बच्चों की सोच की प्रशंसा की। डाली है तो लगा कि हेल्प करें क्योंकि वहाँ के लोग सफ़र कर रहे थे। तो एक 11 क्लास के हम लोग की फ्रेंड थी, उसने बताया, फिर हम लोगों ने सब लोगों ने 32,000 का अमाउंट इकट्ठा किया। बाकी टीचर्स ने और नॉन टीचिंग स्टाफ ने भी किया। हमारे प्रिंसिपल सर ने भी 10,000 दिया उसमें। तो ऐसे करके 60,000 हम लोगों ने कलेक्ट किए और ये हम लोगों ने अभी 5-6 डेज में ही कलेक्ट किया। नहीं, स्कूल में सारे बच्चों ने मिलके और टीचर्स ने नॉन टीचर्स का मैंने ढाना के बच्चों ने केरल में जो बाढ़ आई हुई है और फिर बहुत मुश्किल में है वहाँ के लोग, तो उनकी सहायता के लिए इन्होंने खुद से इनिशिएटिव लेकर के कुछ राशि जमा की, जिसमें हमारे शिक्षकों ने भी योगदान दिया और उस राशि को हम लोग भेजेंगे डिजिटली केरल चीफ मिनिस्टर के राहत। दरअसल कक्षा 11वीं की एक छात्र ने शायद रात में उसने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में और तो आकर के सुबह मुझे बताया कि सर हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्या। तो मैंने कहा कि हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मॉर्निंग असेंबली में अपील की गई कि जिसको जो भी संभव हो सकता है वो लेकर के आगे आए, क्योंकि वो भी हमारे भाई बंधु हैं, हमारे देश के नागरिक हैं। और बाकी बात में सब लोग आगे आ गए और बच्चों की तरफ से 32,000 से ऊपर राशि जमा हुई और 23,000 के लगभग हमारे शिक्षकों ने, हर शिक्षकों ने 500-500 रुपये करके जमा किए। इस तरीके से कुल मिलाकर के 60,000 की राशि जमा हो गई, जिसको सोमवार के दिन हम लोग डिजिटली यहाँ से मुख्यमंत्री आपदा राहत केंद्र को भेजते हैं। हिंदी विद्यालय ढाना के प्रिंसिपल और उनके बच्चे आ जाए हैं और अपने आप में एक मानवता के प्रति एक बहुत बड़ा काज को उन्होंने अपने हाथ में लिया है। बच्चों ने स्वयं प्रेरणा से ये राशि इकट्ठी की है। इसको देखते हुए मैं अपील करूंगा कि जिले में जो और भी बड़े लोग हैं, और भी संस्थाएं हैं, उनको भी आना चाहिए। स्वप्रेरणा से उन्होंने 60,000 की एक बड़ी राशि कलेक्ट की है, उसको सीएम रिलीफ फंड केरला है, उसमें डायरेक्ट भेजा जा रहा है। और निश्चित रूप से त्रासदी के समय पूरे मानव की सेवा करना हम सबका कर्तव्य है और स्वयं बच्चे इसमें आ गए हैं, इसके लिए मैं उनको सबको, उनके गार्जियंस को और उनके टीचर्स को बधाई देता हूं।